नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपको मैं यूसर के साइंस स्टूडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे यूसर के स्टूडियो में हमारे मध्य में डॉक्टर हरीश सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं, जो कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सर, हम आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देते हैं और आपने अपना मन बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सर का जो विशेषज्ञता है वो इथनोबॉटनी में रही है। इथनोबॉटनी आप जो कि आप लोग समझते होंगे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे इथनिक कम्युनिटीज के द्वारा यूज किए जाते हैं और जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कंट्रीब्यूशन है जिनका, और वो मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, वो वाइल्ड एडिबल प्लांट्स भी हैं और वो न्यूट्रिटिव वैल्यू से भी रिच होते हैं और जिनका कि सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जिनकी जानकारी हमें बहुत कम है। और हमारे जितने भी विद्यार्थी गण हैं उनके लिए सर का जो आज का व्याख्यान रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और सर की जो विशेष जो एक्सपीरियंस है, सर ने कई स्टेट में अपना कई कम्युनिटीज के साथ इथनोबॉटनी की स्टडीज को आपने किया है और उसमें आपको आपके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए आपको JW हर्षबर्गर मेडल से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के भी आप मेंबर रहे हैं और आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक पब्लिकेशंस किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर, मैं आपको हमारे स्टूडियो में आपके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। साथियों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक जो आज का विषय है वो विषय है इथनोबॉटनी एंड ओवरव्यू एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इथनोबॉटनिकल रिसर्च, लोक वनस्पति विज्ञान एक संक्षिप्त परिचय और इसके मेथोडोलॉजी पद्धति। इस विषय पर मैं आप लोगों के सामने एक वार्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोक वनस्पति विज्ञान एक अवलोकन और उसके अध्ययन की पद्धति। सर्वप्रथम मैं आपको लोक वनस्पति विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। लोक वनस्पति विज्ञान या इथनोबॉटनी शब्द की उत्पत्ति लोक प्लस वनस्पति विज्ञान बॉटनी अर्थात मूल निवासियों की वनस्पति से हुई है। इथनोबॉटनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में जैन विलियम हॉर्सबर्गर ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा वनस्पतियों के उपयोग के अध्ययन के लिए किया था। तत्पश्चात इस शब्द को एबोरिजिनल बॉटनी निरवस वनस्पति विज्ञान जैसे नाम देकर इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई। साधारण शब्दों में लोक वनस्पति विज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मनुष्य जाति का अपने चारों ओर पाए जाने वाले वनस्पतियों से सीधे पारंपरिक संबंध, चाहे वो उपयोगी हो अनुपयोगी हो, सामग्री संस्कृति सभ्यता धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक आर्थिक आदि, इसके अध्ययन के लिए लोक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यह सर्वविदित है कि सदियों से मनुष्य अनेक उपयोगी वस्तुएं जैसे खाद्य औषधि रेशे चारा ईंधन आदि पेड़ पौधों से पारंपरिक रूप से प्राप्त करता चला आ रहा है। आदिकाल से मानव जाति ने अपने अंतर्ज्ञान अनुभवों प्रयोगों त्रुटियों विश्लेषणों एवं उपयोग के आधार पर इस प्रकृति से उपयोगी व अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान की है। उसने जंगली जीव जंतुओं और पशु पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले पेड़ पौधों को देखकर तथा स्वयं कुछ पौधों को चखकर खाद्य योग्य पौधों की पहचान की।
जिनको बाद में कृषि वैज्ञानिकों ने शोध एवं तकनीकी प्रक्रिया द्वारा वर्तमान कृषि विज्ञान में सम्मिलित किया। इसी प्रकार उसने औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों की खोज भी अपने अनुभवों, प्रयोगों, विश्लेषणों और उपयोगों से किया। इस तरह से मानव जाति ने यह सुनिश्चित किया कि कौन सी वनस्पति किस उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथा पौधे के कौन से भाग क्यों, कब, कितना और कैसे प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप में चलता गया और अगली पीढ़ी के लोग इस ज्ञान का उपयोग अपनी सुविधा और इच्छानुसार कर मौखिक रूप से अपनी अगली पीढ़ी को बताते चले गए। समय के बदलते चक्र के साथ उसमें से कुछ बताने वाला वो कुछ सुनने वाला भूलता चला गया। आज स्थिति यह हो गई है कि इस प्रकार का पारंपरिक ज्ञान न केवल शहरी क्षेत्रों से अपितु ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों से भी ज्ञानी बुजुर्गों के मरणोपरांत धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अतः वनस्पतियों के एक वर्ग ने इस दिशा में गहन मंथन कर सोचा कि अगर समय रहते इस प्रकार के ज्ञान को कम से कम वनवासी, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र से एकत्र कर लिखित रूप में संरक्षित नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इस प्रकार का पारंपरिक ज्ञान का अस्तित्व ही इस तरह से समूल नष्ट हो जाएगा। यह है जे डब्ल्यू हर्सबर्गर, जिन्होंने 1895 ईस्वी में इथ्नोबॉटनी शब्द कॉइन किया था, और ये रिचर्ड इवन सुल्ज हैं जिन्हें फादर ऑफ इथ्नोबॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम ट्रॉपिकल अमेरिका में वहाँ के लोगों और वहाँ के प्लांट के बीच अध्ययन किया था। विश्व में लोक वनस्पति विज्ञान और विख्यात लोक वनस्पतिज्ञ, इस प्रकार का अध्ययन अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, कनाडा, तंजानिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों में सुल्ज, एल्कॉर्न, बर्लिन, सेंगजी, बाये, चैलेंडर, फोर्ड, टिमोथी, मोहन्ना, मर्लिन, डेरल, टर्नर, भंडारी आदि जैसे विश्वविख्यात लोग वनस्पतियों ने 1900 शताब्दी में शुरू किया था। जहां तक भारतवर्ष में लोक वनस्पति विज्ञान का प्रश्न है, 1954 में केंद्रीय वनस्पति प्रयोगशाला हावड़ा के बीएसआई के तत्कालीन निदेशक कम ओएसडी श्रीमती जी ई के जानकी अम्माल को जाता है, जिन्होंने दक्षिण भारत के खाए जाने वाले डायस्कोरिया के विभिन्न प्रजातियों पर इस प्रकार का शोध कार्य शुरू किया था। हालांकि भारतवर्ष में 1921 में ही पीओ बोर्डिंग द्वारा संथाल के औषधीय पौधों पर कार्य करने का प्रमाण उपलब्ध है। तत्पश्चात 1960 के दशक में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के तत्कालीन आर्थिक वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन, जिन्हें एसके जैन के नाम से जाना जाता है, ने इस विषय पर तीव्रता से सर्वेक्षण और शोध कार्य प्रारंभ कर इस विषय का द्रुत गति से प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू किया। इसीलिए उन्हें भारतीय लोक वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ इंडियन इथ्नोबॉटनी भी कहा जाता है। सन 1981 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने एक बृहत परियोजना ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इथ्नोबॉल बायोलॉजी AICRPE नाम से प्रारंभ किया। यह परियोजना भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के हावड़ा, पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग, कोयम्बटूर के अतिरिक्त NBRI लखनऊ, CDRI लखनऊ, RLL जम्मू और BSIP लखनऊ तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में दो चरणों में चलाई गई। 1980 ईस्वी में इथ्नोबॉटनी के बेहतर उत्थान, विकास, प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से डॉक्टर एस के जैन की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच का गठन सोसाइटी ऑफ इथ्नोबॉटनिस्ट के नाम से NBRI लखनऊ में किया गया, जिसमें स्वदेशी और विदेशी आजीवन सदस्यों की संख्या कई हजारों तक पहुंच चुकी है। इस सोसाइटी द्वारा 1889 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जर्नल इथ्नोबॉटनी का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसके अलावा कई न्यूज़लेटर, डिक्शनरी व पुस्तकों का प्रकाशन भी इस सोसाइटी द्वारा किया जा चुका है। इस संस्थान में एक निश्चित अवधि तक आजीवन सदस्य रहने के फलस्वरूप अनेक लोक वनस्पति वैज्ञानिकों को फेलो FES की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस संस्था द्वारा 1986, 1988, 1990, 1992 में कई वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया था। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ऑफ इथ्नोबायोलॉजी तथा सिल्वर जुबली सिंपोजियम ऑन इथ्नोबॉटनी इन द न्यू मिलीनियम का आयोजन भी इसी सोसाइटी द्वारा क्रमशः वर्ष 1994 और 2006 में लखनऊ में किया गया। इथ्नोबॉटनी विषय पर विशिष्ट व उत्कृष्ट शोध करने वाले वैज्ञानिकों को सन 1993 से प्रतिवर्ष ई के जानकी अम्माल मेडल, जे डब्ल्यू हर्सबर्गर मेडल तथा एस के जैन मेडल भी इस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में 4 और मेडल दिए जा रहे हैं। सन 1995 में इंस्टीट्यूट ऑफ इथ्नोबायोलॉजी के पंजीकरण व स्थापना भी डॉक्टर जैन द्वारा लखनऊ में की गई, जिसका संचालन वर्तमान में मध्य प्रदेश में TR साहू तथा AK जैन द्वारा किया जा रहा है।
ये स्टेट वाइज परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स हैं, कुछ लक्षद्वीप में 94%, देन मिजोरम में 94%, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इसके अलावा भी अन्य राज्यों में कई आदिवासियां निवास करती हैं। अगर हम रेसेस वाइज देखें तो तीन रेसेस मोनगोलॉइड, प्रोस्टो एस्ट्रोलॉइड एंड निगर्टियो, तीन रेसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। और रीजन वाइज अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गारो, मिकिर, नागा आदि, नॉर्थ वेस्ट में गुजर, लोध, माझी आदि, ईस्ट इंडिया में ओराओं, कोराओं, संताल आदि, सेंट्रल इंडिया में आपके गोंड्स, मारिया, कोवा, कुरकू, बैगाज, वेस्टर्न इंडिया में भील, मीनाज, सहरियाज, साउथ इंडिया में टोडाज, इरुलाज, कुरमाज, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगी, जरवा, सोमपेन, सेंटलीज एंड ग्रेट अंडमांडी पाए जाते हैं। ये कुछ मुख्य आदिवासियों की फोटो हैं, आसाम में जैसे बोडोज, केरल में पन्यान और कुर्मा, उड़ीसा में खोन और नागालैंड में नागाज, इसके अलावा भी कई जातियां हैं लेकिन ये कुछ प्रमुख जातियां, मेघालय में खासीज, अंडमान निकोबार में जरवा, राजस्थान में व्हील्स, बंगाल में संताल और मिजोरम में चकमा। भारतवर्ष में लोक वनस्पति विज्ञान विषय पर आधारित सर्वेक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में अधिक हुआ है, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा कुछ दक्षिणी राज्यों में इस विषय पर अपेक्षाकृत कम काम हुआ है। दक्षिण एशिया, महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, संताल परगना, कोल डिजर्ट, ट्रांस हिमालय, रावलसार हिमालय, उत्तर पूर्व भारत, सेंट्रल इंडिया, दादर नागर हवेली, दमन, अंडमान व निकोबार, ईस्टर्न घाट शीर्षक से भी लोक वनस्पति विज्ञान पर कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जनजातियों के आधार पर देखें तो इस विषय पर सबसे अधिक शोध कार्य शहरिया, भील, नागा, थारू, संथाल, टोटोपारा, निकोबारी, गारो, बैगा, इरुला, गद्दी, भोक्सा, खड़िया, गोंड, खासी, निसिया, पातानी, मिकर आदि पर प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य, रंग, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, कामोत्तेजक पौधे, कैंसर रोधी पौधे, इथ्नोविटनरी, साज सज्जा के गहने, आभूषण, पूजा पाठ, ग्रह नक्षत्र, वेद पुराण, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित दैविक वनस्पति शास्त्र, नशे व मादक पेय, चमत्कारिक पौधे, नामकरण एवं वर्गकीय, मैजिको रिलीजियस, मौसम की पूर्व सूचना, घरेलू नुस्खे, पौधों पर आधारित लघु उद्योग, संस्कृति में पौधों का महत्व, तुलनात्मक अध्ययन, स्पर्श थेरेपी, होरोपैथी, पादपालयों से एकत्रित आंकड़ों पर भी कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। सामान्य लोक वनस्पति विज्ञान अध्ययन की विधि, डिक्शनरी, बिब्लियोग्राफी आदि पर भी कई पुस्तकें विगत वर्षों में प्रकाशित हुई हैं। आवृतबीजी पौधों पर सर्वाधिक शोध कार्य के अतिरिक्त अनावृतबीजी, पर्णगोदभिद, शैवाल, कवक, हरितोद्भिद व सेवाक पर भी कुछ कार्य हुए हैं। उपलब्धियों के हिसाब से अगर हम देखें विगत 60-70 वर्षों में भारतीय लोक वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस विषय पर अब तक लगभग 3500 शोध पत्र, 110 पुस्तकें और 160 से अधिक शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 125 से अधिक जनजातियों पर शोध कार्य, 50% से अधिक आवृतबीज पौधों का लोक वनस्पति का अध्ययन, 120 से अधिक जैव सक्रिय तत्वों की खोज, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इथ्नोबायोलॉजी के फाइनल रिपोर्ट के अनुसार 10,000 पौधों का विभिन्न जातियों द्वारा उपयोग, उसमें से 8,000 औषधि में, 1,75,000 तरह के प्रयोग तथा 2,000 से अधिक नई जानकारियां, 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल में लोक वानस्पतिक शोध पत्रों का प्रकाशन, 600 से अधिक अनाज की जंगली प्रजातियों की खोज, 100 से अधिक वनस्पतियों का आधुनिक चिकित्सा में प्रयोग, लोक विश्वास के आधार पर कई वृक्षों व वनों, लगभग 1,00,000 वनों का संरक्षण, केरल में कानी जनजाति से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ट्राइकोपस जेलिनिका से जियोनी नामक औषधि की खोज आदि उपलब्धियां किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। परंपरागत ज्ञान उपयोग के आधार पर चयनित 4,500 पौधों का CDRA लखनऊ व RNCL पुणे द्वारा परीक्षण कर लगभग 750 पौधों में सक्रिय तत्वों की पुष्टि कर माना है कि आकस्मिक रूप से चयनित पौधों की अपेक्षा परंपरागत उपयोग के आधार पर चयनित पौधों में 17% अधिक सक्रियता पाई गई है। ये कुछ लोक औषधीय पौधों के फोटो दिखा रहे हैं
पारिजात निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, इसके होल प्लांट और लीव जो है मलेरिया के उपचार में दिया जाता है। एस्परगस रेसिमोसस जिसे सतावरी कहते हैं, लैक्टेशन के प्रमोशन में दिया जाता है। घोड़ा तुलसी स्कोपेरिया डल्सिस, इसको किडनी स्टोन के उपचार में दिया जाता है। जेट्रोफा कुरकस रतनजूत को गम एंड टूथ टूथेक में प्रयोग किया जाता है। ये एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। इसी तरह वाइल्ड एडिबल्स का लीफी ग्रीन्स, सूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, फ्रूट सीड्स, इनके खाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सीजीजियम क्यूमिनी जिसे जम्मू जाम कहते हैं, ये हिसालू है, और सेना टोरा जिसके एडिबल लीव्स खाए जाते हैं। इसके अलावा रेजिन यील्डिंग प्लांट्स हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, सिट्रस सिलिस्ट्रस पेनिकुलेटस, मालकंगनी जिसे कहते हैं, इसके सीड ऑयल को कट्स एंड वुंड्स में भी अप्लाई करते हैं और गाउट रूमेटिज्म और अर्थराइटिस में भी इसको प्रयोग किया जाता है। अरंड रिसिनस कॉमिनस, इसके सीड ऑयल को बच्चों के पेट दर्द में तथा बालों के हेल्दी ग्रोथ के लिए लगाया जाता है। इसी तरह अदर मिसलिनियस यूजेज हैं, क्लिस्टेंथस कॉलिनस, इसके एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड से बनाया जाता है, और कुसुम से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फॉडर गोट के लिए फॉडर होता है, और ये ओलेक्स स्कैंडेंस जो है इसकी पत्तियों से मछलियों को मारा जाता है। इसके अलावा शराब बनाने के लिए भी कुछ पेड़ पौधों के भागों का भी यूज किया जाता है, जैसे उटफोडिया फ्रुक्टिकोसा धात्री फूल को तथा महुआ के फल को प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशियो रिलीजियस पर्पज में तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्रचलन है। इसके अलावा वार्ड ऑफ बुरी नज़र को उतारने के लिए भी लोग पेड़ पौधों के ताबीज़ बनाकर बच्चों को पहनाते हैं, हेप्टिस सुअबिलेंसिस के आप देख रहे हैं। इस तरह झाड़ू बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए, कार्ट वैगन व्हील बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, टूल एंड इम्प्लूमेंट्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को आदिवासियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब मैं आज के दूसरे भाग मेथोडोलॉजी ऑफ इथ्नोबॉटनिकल रिसर्च, लोक वनस्पति विज्ञान अनुसंधान की पद्धति पर आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के निवासियों का वहां पर उपलब्ध वनस्पतियों से पारंपरिक संबंध प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का अध्ययन भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 70 से 75 वर्षों से किया जा रहा है, किंतु इस प्रकार के अध्ययन के लिए पर्याप्त एवं सुस्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं होने के कारण नए शोधकर्ताओं के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा लगभग 35-36 वर्षों से भारत के अनेक भागों में निवास करने वाली जनजातियों के लोक वनस्पति के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान कर 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस लंबे अनुभव के आधार पर लोक वनस्पति अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले अध्ययन क्षेत्र का चयन कैसे करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया। तो प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र में वनस्पतियों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। उस क्षेत्र में आदिवासियों जनजातीय समुदाय की पर्याप्त आबादी होनी चाहिए। नवीन या नई खोज के लिए दुर्गम क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिए। पीएचडी के लिए जिला स्तर से कम का क्षेत्र नहीं चुनना चाहिए। क्षेत्र को अंतिम रूप देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य शोधकर्ता या संगठनों द्वारा इस पर पहले से कोई लोक वनस्पति का अध्ययन तो नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो उसका संदर्भ या रेफरेंस जरूर देना चाहिए। इसका दायरा क्या है, लोक वनस्पति विज्ञान का क्या दायरा होना चाहिए। लोक वनस्पति विज्ञान अध्ययन जो है क्षेत्रवार कर सकते हैं, जैसे किसी देश की इथ्नोबॉटनी कर सकते हैं, किसी राज्य की कर सकते हैं, किसी जिला की कर सकते हैं, या किसी विशेष परिस्थिति में ब्लॉक और ग्राम स्तर तक भी की जा सकती है, या इथ्नोबॉटनी किसी एक जनजाति की जा सकती है, उदाहरण के लिए संथाल का या लोधा बोक्सा गोंड आदि, या जनजातियों के जैसे समूह होते हैं जैसे संथाल परगना है, बोडोलैंड है, बोक्सार है, इसकी भी इथ्नोबॉटनी की जा सकती है। प्रमुख उपयोगिता के आधार पर भी इथ्नोबॉटनी की जा सकती है, जैसे लोक औषधि पौधे, खाद्य पौधे, चारा योग्य पौधे, इस तरह के किए जा सकते हैं, या एकल उपयोग के आधार पर पौधों के अलग अलग उपयोगी भाग जैसे फल फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, या फूल पत्ते छाल भूमिगत भाग, या विशेष रोगों बुखार पेचिस जैसे उदाहरण के लिए प्लांट्स यूज्ड इन फीवर डायसेंट्री एटसेट्रा, या वनस्पतियों के समूह जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म लाइकेन फर्न आदि की भी इथ्नोबॉटनी की जा सकती है, या वनस्पतियों के विशेष स्पीसीज
जीनस या फैमिली जैसे एकोरस कैलेमस की इथ्नोबॉटनी की जा सकती है, एमरेंथीसी फैमिली की इथ्नोबॉटनी की जा सकती है, इस पर विस्तृत रूप से काम किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि फील्ड के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्थान करने से पूर्व शोधकर्ता को उस क्षेत्र विशेष की पृष्ठभूमि से संबंधित साहित्य लिटरेचर का गहन अध्ययन, क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पतियों जड़ी बूटियों का अध्ययन, पहले से प्रकाशित सभी साहित्य या उसके आसपास के जनजाति या क्षेत्र के साहित्य का अध्ययन, पौधों के उपयोग के संबंध में सामान्य शब्दावली को समझने के लिए प्रासंगिक कागजात का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता को उस क्षेत्र विशेष में आदिवासी या मूल निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा या बोली का बुनियादी ज्ञान होना बेहद जरूरी है। उस क्षेत्र में भ्रमण करने से ठीक पहले वहाँ की जलवायु, तापमान, मार्ग, परिवहन, आवास या राजनीतिक कारणों से अशांति जैसे नक्सलवाद आदि के बारे में जानकारी स्थानीय समाचार पत्र, इंटरनेट आदि के माध्यम से इकट्ठा कर लेनी चाहिए। उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों जैसे डिस्ट्रिक्ट में गए तो डीएम, बीडीओ, डीएफओ, आरओ और सहायक कर्मचारियों से यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अनुमति तथा आवास की व्यवस्था के लिए पत्राचार कर देना चाहिए। फील्ड सामग्री क्या क्या आपको इतना बॉटनिकल स्टडी के लिए ले जाना चाहिए अध्ययन करने के लिए, लोक वानस्पतिक आंकड़े एकत्र करने के लिए, नोटबुक, डायरी, पेंसिल, पेन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा, दूरबीन, अल्टीमीटर, पॉकेट लेंस, नक्शा, जीपीएस, सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि अपने पास रख लेना चाहिए। अब पौधों के नमूनों के संग्रह के लिए फील्ड बुक, थ्रेड और टैग के साथ, सिकेटियर, चाकू, काटने के लिए कुलाड़ी या दावा, खुदाई के लिए खुरपी, ऊंचे पेड़ से संग्रह के लिए रस्सी या मुड़ी हुई छड़ी, संग्रहण के लिए वैस्कुलम या पोलोथीन के विभिन्न प्रकार के बैग, सैंपल ट्यूब, ब्लॉटिंग पेपर, पुराने अखबार, प्लांट प्रेस आदि रख लेना चाहिए। अन्य फील्ड सामग्री, शिविर में नमूनों के प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए अल्कोहल, मर्क्यूरी क्लोराइड, फॉर्मेलिन, ट्रे, ब्रश, दस्ताने, मास्क, बांधने के लिए रस्सी, ढकने के लिए पॉलीशीट आदि भी रख लेना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इंटीरियर एरिया के लिए टेंट, बरसाती, मच्छरदानी, हंटर जूते, बरसाती जूते, छाता, कपड़ा, बिस्तर, पहचान पत्र, पत्र व्यवहार की प्रतियां, डाक टिकट, लिफाफा, आकस्मिक वाउचर, मुहर्शियाई रबड़ बैंड आदि भी रख लेना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड बॉक्स, चूल्हा, मिट्टी का तेल, खाद्य सामग्री, बर्तन, साबुन, माचिस, लालटेन, मोमबत्ती, पॉलीशीट, कंधे का बैग, ट्रंक, रस्सी, टॉर्च, पानी की बोतल, ताला, चाबी, डस्टर, हीटर आदि सबकी भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सम मॉडर्न टूल्स यूज्ड फॉर इथ्नोबॉटनिकल डाटा, यू कैन सी लैपटॉप, जीपीएस, कैमरा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए उस क्षेत्र में, इंटीरियर एरिया में। उस प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र के मार्ग, संचार और परिवहन के साधन से शोधकर्ता को परिचित होना चाहिए। अन्यथा जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए परिवहन के आसान, सुरक्षित, आर्थिक तरीकों के लिए विश्वसनीय आधिकारिक व्यक्तियों के साथ पत्राचार या टेलीफोन से बात कर लेनी चाहिए। जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद तुरंत डीएम, डीएफओ, आरओ से संपर्क कर लेना चाहिए। वहां पर रहने तथा पौधों के नमूनों के प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। क्षेत्रीय अधिकारियों से चर्चा कर उनके सुझाव के बाद ही उचित दुभाषिया, स्थानीय भाषा की व्याख्यान करने के लिए, कभी कभी आदिवासियों की भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए एक दुभाषिया रखना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय वनस्पतियों के पहचान तथा उनके पारंपरिक उपयोगों के जानकार, जो कभीराज होते हैं, वैद्य होते हैं, गुणी होते हैं, ये बुजुर्ग महिला या पुरुष होते हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्षेत्र या जंगलों के भ्रमण के लिए स्थानीय वाहन की व्यवस्था तथा क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से उनके सुझाव के अनुसार अंतिम रूप देना चाहिए, क्योंकि वह क्षेत्र की आंतरिक स्थिति से परिचित होते हैं। गाँव में पहुंचने के पश्चात उन गाँव वालों, वैद्य, गुणी आदि से चर्चा करनी चाहिए। आमतौर पर वृद्ध और अनुभवी पुरुष या महिला को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कभी कभी युवा पीढ़ी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। कई बार जानकार लोग अपने ज्ञान को दूसरे ग्रामीण के सामने साझा नहीं करना चाहते, ऐसे में उन्हें अलग जगह ले जाकर सूचना एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, इसमें हम किस तरह से डिस्कशन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, पहले जाके डीएफओ और उन लोगों से मिलते हैं, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेस्ट ऑफिशियल, उनसे पूरा डिटेल हम लोग वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सामान्य जानकारी का संग्रह, जनजातियों से सूचना एकत्र करने के लिए कोई विशिष्ट नियम, पद्धति या तकनीक नहीं है, यह अन्वेषक के अनुभव,
अध्ययन के प्रकार और जातीय समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रश्नावली क्वेश्चनायर्स का उपयोग शिक्षित और शहरी लोगों में किया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह व्यवहारिक नहीं होता है। आप सीधे गांव और सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास जा सकते हैं और कभी कभी आप उन्हें अपने शिविर में बुला सकते हैं। आदिवासी लोग आमतौर पर अपने ज्ञान के बारे में शिक्षित बाहरी व्यक्ति के सामने बोलने में झिझक और शर्म महसूस करते हैं, इसलिए चर्चा सामान्य सामाजिक और उनके हित के मामलों के साथ शुरू की जा सकती है। उनको सहज करने के लिए उनसे उनके परिवार के सदस्यों का व्यवसाय, आय का स्रोत, दैनिक दिनचर्या, बाजार, मौसम, मवेशी, समस्याएं, कृषि रीति रिवाज, परंपराओं आदि के बारे में बात को शुरू करने के पश्चात ही मूल विषय पर चर्चा करनी चाहिए। अब है वनस्पतियों के उपयोग से संबंधित जानकारी के संग्रह किस तरह करना चाहिए। परिचित और मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने के बाद ही वन उत्पादों, जड़ी बूटियों, उपयोगों, रोगों, उपचार आदि के बारे में पूछना चाहिए। पूर्व अनुमति से उनके घरों में रखे पौधों के उत्पादों और पौधों के सामग्री, उपकरण, भोजन, दवा आदि का अवलोकन कर सकते हैं और स्थानीय नाम, उपयोग आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पौधों के अन्य अतिरिक्त उपयोग की जानकारी अन्य ग्रामीणों से व वन अधिकारियों से भी एकत्रित किए जा सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों से पौधों के नमूने, हर्बेरियम स्पेसिमेन एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे इथनो मेडिसिन के लिए क्या क्या चीजें, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या जानकारी लेनी है, उस इथनो मेडिसिनल प्लांट्स के स्थानीय नाम, उसकी प्रकृति या हैबिटेट, पौधों के उपयोगी भाग, लोक औषधि बनाने तैयार करने की विधि, औषधि को उपयोग करने की विधि, उपयोगी भाग का प्रकार, जैसे उसका फल यूज होता है कि फूल होता है, पत्ते होता है, छाल होती है, या उसका ताज़ा भाग है कि सूखा भाग है, उस औषधि में मिलाए जाने वाले अन्य पौधों का नाम है, औषधि बनाने की विधि क्या है, पाउडर में बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं या गोलियां बनाते हैं, औषधि का प्रयोग तरीका कैसे, खिलाते हैं या बाहर से लगाते हैं, खुराक की मात्रा क्या है, चम्मच से है, ग्राम से है, मुट्ठी से है, या औषधि में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त सामग्री जैसे शहद के साथ देते हैं, दूध के साथ देते हैं, घी के साथ देते हैं, या औषधि के लेने का समय जैसे सुबह लेना है या शाम लेना है, खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है, औषधि का दुष्प्रभाव यदि कोई हो और उसका समाधान, उपचार के दौरान कोई प्रतिबंध हो जैसे खट्टा खाना वर्जित हो, मसाला वर्जित हो, इन सब के बारे में विस्तार से पूछताछ कर नोट कर लेना चाहिए। इसी तरह वाइल्ड एडिबल्स के लिए, भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पौधों की जानकारी लेने के लिए, उसका स्थानीय नाम, उसकी हैबिटेट, उसका उपयोगी हिस्सा, उस क्षेत्र में कैसी उपलब्धता है, उसकी दुर्लभ है या सामान्य है, उसे सीधा कच्चा खाना है या पकाकर खाना है या विशिष्ट व्यंजनों के रूप में खाना है, उसे तैयार करने की विधि क्या है, भोजन या सब्जी के रूप में या अन्य रूप में खाते हैं, इसे भूख शांत करने के लिए खाते हैं या पूरक के रूप में खाते हैं या शरीर को शक्ति बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए खाते हैं, इस डिश को बनाते समय अन्य आवश्यक अतिरिक्त सामग्री का नाम, इसे आमतौर पर भोजन की कमी या आपात स्थिति के दौरान खाया जाता है या विशेष मौसम में खाया जाता है के बारे में विस्तार से पूछताछ कर नोट कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन खाद्य पौधों की प्रति व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन करने के बाद बाजार में, मार्केट में उसकी बिक्री विपणन की संभावना को भी नोट किया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार का साधन भी मिल सके। लोक औषधि और भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पौधों के अलावा अन्य उपयोग जैसे इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारा, धार्मिक, रंग, गोंद, तेल वाले पौधे, कीटनाशक, कृषि उपकरण, संगीत के उपकरण, घर, रस्सी, चटाई, टोकरी आदि बनाने की पारंपरिक विधि, इनके लिए भी विस्तृत जानकारी को इकट्ठा किया जाना चाहिए। धार्मिक रीति रिवाजों में पेड़ पौधों का प्रयोग तथा पादप संरक्षण में उनकी भूमिका को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब जो आपने आंकड़े एकत्रित कर दिए उसका सत्यापन या पुष्टि कैसे करेंगे कि वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तो जानकार व्यक्तियों से इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करने के बाद उनसे पुनः पौधों को नमूने दिखाने का अनुरोध कर क्षेत्र में ही पौधों को प्राकृतिक रूप में देखकर उसकी पहचान की जा सकती है। जो पौधे वो बताएंगे उसको उनको पूछना है कि आप हमें दिखाइए वो पौधा कहाँ पर है नेचुरल रूप में, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए लोक वानस्पतिक सूचना का सत्यापन या सच्चाई की पुष्टि के लिए उन पेड़ पौधों के उपयोग के बारे में बार बार पूछा जा सकता है। उसी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र के अन्य सूचना देने वालों से भी उन्हीं पौधों के या उन्हीं उपयोग उनके उपयोगों की पुनः पुष्टि की जा सकती है। संदेह होने पर
कभी कभी आंकड़ों के प्रमाणीकरण के लिए सूचना देने वालों के साथ क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सकता है, किंतु इस सत्यापन या पुष्टि का कार्य बड़ी चतुराई से करना चाहिए, अन्यथा वे चिढ़ सकते हैं और सूचना देने से मना कर सकते हैं। वैसे एक अनुभवी निर्वंश विज्ञानी उनके द्वारा बताई गई जानकारी की तथ्यात्मक सत्यता और गहराई का अंदाज क्षेत्र में ही आसानी से कर सकता है। अध्ययन के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, भविष्य में उच्च अध्ययन और प्रमाण के लिए इन लोगों के साथ किए गए साक्षात्कार की वीडियोग्राफी रिकॉर्ड की जानी चाहिए। उनसे हुई बातचीत के अलावा क्षेत्र के लोकगीत, लोक कथा, लोक कहावतों के ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी की जा सकती है। फाइनल रिपोर्ट या थीसिस तैयार करने के लिए उस क्षेत्र का, जंगल के परिदृश्य, साक्षात्कार का, आदिवासी लोगों का, जानकार पुरुषों, महिलाओं, वैद्यों, आदिवासियों के घरों का, बस्तियों का, पौधों के उत्पादों का, पौधों की प्रजातियों का, लेख, उपकरण आदि की तस्वीर ली जानी चाहिए। किंतु आजकल कई आदिवासी क्षेत्रों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये देखिए, नोटिंग इथ्नोबॉटनिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जहां हम बहुत से लोगों से एक साथ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी फ़ोटो उड़ीसा की हमारी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि जहां पर इंडिविजुअल आदमी अगर ग्रुप में इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहे तो उनको अलग अलग ले जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। इंटरव्यू ट्राइबल पीपल फॉर इथ्नोबॉटनिकल डाटा, कलेक्शन ऑफ इथ्नोबॉटनिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्लांट स्पेसिमेन इन ट्राइबल एरिया। देखो, प्लांट स्पेसिमेन भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, कोई जड़ से, कोई पौधे के ऊपर से, कोई पानी से, ये इस तरह से प्लांट स्पेसिमेन एकत्रित किए जा रहे हैं। उपयोगी पौधों के बाउचर नमूने, संग्रहालय प्रदर्शनी और जीवित पौधों का संग्रह। सही वैज्ञानिक पहचान के लिए इन उपयोगी पौधों के नमूने, हर्बेरियम बाउचर एकत्र किए जाने चाहिए। इनके दो या दो से अधिक बाउचर नमूने फूल या फल या बीजाणु सहित एकत्रित किए जाने चाहिए। अगर उस समय पौधे में फूल नहीं हो या फल नहीं हो तो उसको बाउचर नंबर दे सकते हैं, किंतु अगली सीजन में सही पहचान के लिए फूल फल सहित जरूर एकत्रित करना चाहिए। प्रत्येक नमूने के साथ विस्तृत जानकारी जैसे एकत्रीकरण का दिनांक, पौधे का स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम यदि सक्षम हो पहचानने में, उसका कुल, प्राप्ति स्थान, फूल या फल का समय चक्र, जिले का नाम, क्षेत्र का नाम, आदिवासी समूह, इन्फॉर्मर का नाम, उसका लिंग, आयु, अन्य नोट्स या लोक वानस्पति उपयोग विस्तृत में अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, संग्रहकर्ता का नाम को फील्ड बुक में नोट किया जाना चाहिए। गांवों से या साप्ताहिक जनजाति बाजारों से उपयोगी पौधों के सूखे नमूने, पौधों के उत्पाद, आदिवासियों के पेड़ पौधों के उपयोग से संबंधित लेख, कलाकृतियां, प्रदर्शन, एग्जिबिट्स आदि को भी अपने संस्थान के संग्रहालय के लिए एकत्र कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के प्रायोगिक एथनोबॉटनिकल गार्डन के लिए लाइव प्लांट को भी एकत्र कर सकते हैं। ये इथ्नोबॉटनिकल फील्ड बुक है, पी मुद्गल ने 1984 में दिया था, उसके बाद 2006 में मैंने इसको मॉडिफाई किया। इसमें इथ्नोबॉटनिकल यूजेस और एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और इन्फॉर्मर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का प्रावधान है। हर्बेरियम नमूनों का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग कैसे करनी है। उपयोगी पौधों के हर्बेरियम नमूने बाउचर को एकत्र कर बड़े पॉलिथीन बैग या बास्कुलम में रखे जा सकते हैं। इन नमूनों को फील्ड नंबर के आधार पर छांटा जाता है और एक एक करके ड्राइंग ब्लॉटिंग सीट के बीच में रखते हैं और शिविर में पहुंचने के बाद बंडल बनाते हैं। इन बंडलों को प्लांट प्रेस के बीच रखा जाता है और जूट या कपास की रस्सी से बांध दिया जाता है। इन पौधों के नमूने को प्रतिदिन सूखी ड्राइंग या ब्लॉटिंग सीट में बदलते रहते हैं। बरसात के मौसम में ताज़ा संग्रह के बंडलों में 10% फॉर्मलिन डालकर पॉली बैग में पैक किया जाता है ताकि रोज़ रोज़ परिवर्तन की जरूरत न पड़े। इन नमूनों को सुखाने के पश्चात फील्ड या मुख्यालय पहुंचने के बाद पॉइजनिंग मर्क्यूरी क्लोराइड व अल्कोहल के मिश्रण में किया जाता है। वैज्ञानिक पहचान से पहले उनकी माउंटिंग, स्टिचिंग, लेवलिंग का काम पूरा किया जाता है। ये आप देख रहे हैं हर्बेरियम प्रोसेसिंग इन कैंप एंड हेडक्वार्टर, ये इनको दबाया जा रहा है, इन पौधों की जो है इनको सुखाया जा रहा है और पॉइजनिंग किया जा रहा है। पौधों के नमूनों की वैज्ञानिक पहचान, सत्यापन और भंडारण, ये हमारा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन मेन है कि क्षेत्रीय वनस्पतियों पर उपलब्ध प्रकाशित फ्लोरा या संबंधित शोध पत्र में दिए गए विवरण तथा पहचान कुंजी, जो आइडेंटिफिकेशन की होती है, के आधार पर पौधों की वनस्पतिक पहचान की जानी चाहिए। नवीनतम नामकरण के लिए नई मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट से मिलान करना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राष्ट्रीय हर्बेरियम से
वर्चुअल या डिजिटल हर्बेरियम में रखे नमूनों से इनका भौतिक मिलान करने के पश्चात ही इनके सत्यापन की पुष्टि करनी चाहिए। हर्बेरियम सीट पर चिपकाए गए लेबल पर सभी जानकारियां ठीक से भरी जानी चाहिए। सभी पादप नमूनों को व्यवस्थित करने के पश्चात उन्हें प्रजातियों और जीनस के कवर में रखा जाना चाहिए और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर किसी एथनोबॉटनिकल हर्बेरियम में जमा कर दिया जाना चाहिए। ये देखिए, फोटो शोइंग स्टिचिंग लेबल राइटिंग शॉर्टिंग अरेंजिंग एंड कीपिंग इन एथनोबॉटनिकल हर्बेरियम। इस तरह शॉर्टिंग कर रहे हैं और इसको हर्बेरियम में अरेंज कर रहे हैं। अब उपयोगी पौधों के सूचीकरण और रिपोर्ट की तैयारी। अब आपने कलेक्शन कर दिया, अब उसकी रिपोर्ट की सूचीकरण जो इन्वेंट्री है इसको तैयार करना है। सभी संकलित प्रजातियों और उनके वानस्पतिक नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष या किसी भी जनजाति के सभी लोग वानस्पतिक पौधों की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। प्रत्येक प्रजाति का वानस्पतिक नाम, उसका कुल, स्थानीय नाम, उपयोगी भाग, बनाने की विधि और उपयोग की विधि, इन्फॉर्मर का नाम आदि सभी सूचनाएं लिखी जानी चाहिए। पौधों के अलग अलग उपयोगों को इस रिपोर्ट में हेडिंग वाइज प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रजाति पर पूर्व शोधकर्ताओं द्वारा पहले से ही उस पर अंकित किए गए अन्य लोक वनस्पतिक उपयोग तथा उस पर हुए रासायनिक विश्लेषण केमिकल वर्क जो हुआ है उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है। अंत में एकत्रित किए गए सभी पौधों के अलग अलग उपयोगों के आंकड़ों का विभिन्न तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। संबंधित फोटो को क्रमबद्ध कर रिपोर्ट में पेस्ट करना चाहिए। अब लेस नोन और अननोन जो यूजेज होते हैं उनकी तुलना कैसे हम ये करेंगे कि ये लेस नोन या अननोन है, अल्पज्ञात या अज्ञात। अल्पज्ञात या अज्ञात लोक वनस्पति उपयोग का पता लगाने के लिए सभी एकत्रित आंकड़ों की तुलना उस क्षेत्र के या जनजाति पर पहले से किए गए प्रकाशित डाटा के साथ की जानी चाहिए। इन अल्पज्ञात उपयोगों की तुलना राष्ट्रीय स्तर पर करने से पहले प्रकाशित आंकड़ों या कुछ मानक मान्यता प्राप्त पुस्तकों जैसे वेल्थ ऑफ इंडिया, डिक्शनरी ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन एंड एथनोबॉटनी, इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, ग्लोसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स आदि से उसकी तुलना करनी चाहिए ताकि नवीन उपयोगों की पुष्टि हो सके। अब इस पर शोध पत्र कैसे तैयार किए जा सकते हैं, इसमें फिर क्षेत्रवार, समूहवार, उपयोगतावार, विशेष उपयोगवार, पौधों के भागवार, पौधों के समूहवार, कुलवार, जीनसवार, प्रजातिवार पेपर तैयार किए जा सकते हैं प्रकाशन के लिए। इसके अलावा लोक नामकरण, लोक वर्गीकरण, पारंपरिक संरक्षण, पवित्र वन, जादुई धर्म में मान्यताएं आदि पर भी शोध पत्र तैयार किए जा सकते हैं। वर्तमान में अनेक शोधकर्ताओं द्वारा लोक वनस्पति विज्ञान के नए क्षेत्र जैसे जनजातियों के साप्ताहिक बाजार, हाट के सर्वेक्षण तथा उसमें बिकने वाली पारंपरिक ज्ञान आधारित क्षेत्रीय वनस्पतिक उत्पादों, उनके मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन तथा जनजातियों के आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्र में वानस्पतिक आधारित कुटीर उद्योग की संभावना है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव स्टडी, निर्वंश विज्ञान संबंधी डेटा की विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी, एथनोमेडिसिनल प्लांट्स की फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग रसायनज्ञ के सहयोग से तथा खाद्य पौधों के न्यूट्रास्यूटिकल विश्लेषण, IPR बौद्धिक संपदा अधिकार, PIC पूर्व सूचना सहमति, लाभांश का समेकित बंटवारा और क्लिनिक परीक्षण आदि पर भी शोध पत्र तैयार किए जा रहे हैं। ये ट्राइबल मार्केट में देखिए हम लोग किस तरह से ट्राइबल मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं हार्ट से। अब इनको प्रकाशित करने की जो शोध पत्र प्रकाशित किए उनको किस जर्नल में प्रकाशित करना चाहिए, इसके लिए अनेक जर्नल्स आजकल हैं जिनमें से कुछ प्रतिष्ठित जर्नल हैं, इकोनॉमिक बॉटनी, एथनो फार्माकोलॉजी, फोकलोर, एथनो बॉटनी, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड टैक्सोनॉमिक बॉटनी आदि। इसके अलावा आजकल अनेक ऑनलाइन पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं जिसमें अच्छे शोध पत्रों का प्रकाशन किया जा सकता है। अब इस स्टडी को करने से इन लोगों को क्या रोजगार के साधन मिलेंगे, लोग वनस्पति विज्ञान पर किए गए शोध कार्यों वो PhD के लिए डिग्री लेने के पश्चात रोजगार के लिए सभी भारतीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसमें से मैं आया हूँ BSI, वन विभाग, CSIR के विभिन्न संस्थान जैसे NVRI, CMAP, CDRI, ICAR के विभिन्न संस्थान में आर्थिक वनस्पति शास्त्री इकोनॉमिक बॉटनिस्ट की पोस्ट निकलती है। इसके रूप में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी में ICMR के विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट
प्राइवेट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, दवाओं की कंपनी होती है, खाद्य उद्योग होते हैं, औषधीय पौधों के गार्डन सरकारी या निजी में आवेदन कर रोजगार के साधन प्राप्त कर सकते हैं। लोक वनस्पति विज्ञान के शोधकर्ताओं लिए कुछ सुझाव हैं। एक निर्वंश विज्ञानी को जनजातीय स्थानीय लोगों के साथ बहुत दोस्ताना, विनम्र और अनुरोध करने वाला व्यवहार करना चाहिए। मूल रूप से अधिकांश आदिवासी बहुत ही सरल और रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं, जो बाहरी लोगों के साथ घुलने मिलने के आदि नहीं होते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने परंपरागत ज्ञान, स्वदेशी ज्ञान को अपने स्वयं के बच्चों के साथ साझा नहीं करते हैं जब तक कि वे बूढ़े नहीं हो जाते। उनसे सूचना लेते समय प्रत्येक शोधकर्ता को बड़े ही विनम्रता और अनुरोध के साथ पेश आना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उन पर अपने पढ़े लिखे या शहरी होने का दबाव या रुआब दिखाकर उनसे उनके पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड करना चाहोगे तो वे कभी भी आपसे सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए आपको उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए और उनकी रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। उनकी परंपरागत प्रणाली प्रथाओं पर कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, भले ही यह आपको कितना भी अवैज्ञानिक और अस्वच्छ लगे। आदिवासी गांव और जंगल में अकेले जाने से बचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय लोग या इन्फॉर्मर नाराज हो। जनजातियों से संग्रहालय के लिए गए पादप नमूनों का भुगतान कर देना चाहिए। इसके अलावा रहने खाने फार्मर इन्फार्मर वो अन्य गांव वालों को जो आपके साथ दिन भर जंगल में भ्रमण के लिए मजदूरी आदि का उनका भुगतान कर देना चाहिए। आदिवासी लोगों से किसी भी प्रकार के झूठे वादे नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनसे प्राप्त परंपरागत ज्ञान से होने वाले लाभ के अंश को उन तक पहुंचाने के लिए उनसे PIC फॉर्म भराकर उनका पूरा पता लेना चाहिए। शिविर के अंतिम दिन सभी गांववासियों के साथ एक छोटी सी सभा या सामूहिक फोटोग्राफी की जा सकती है। कुछ बचे हुए सूखे और पैक किए गए खाने को ग्रामीणों के बीच वितरित किया जा सकता है। आदिवासी अगर अपनी इच्छा से कुछ भी परंपरागत सम्मान देते हैं तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये देखिए कुछ फोटोग्राफी ग्रुप फोटो विद ट्राइबल्स इन फील्ड रिस्क फॉर कलेक्शन। आप देख रहे हैं कहीं जंगलों में, कहीं पत्थरों पर, कहीं नदियों में और कहीं पहाड़ों में, कहीं बारिश में। इतना बॉटनिकल इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर सर्वाइविंग इन ट्राइबल एरिया, आपको कहीं झोपड़ी में रहना पड़ सकता है, कहीं आपको इस तरह पत्तियों में खाना पड़ता है, कहीं आपको रोड में खाना पड़ सकता है। फॉर सर्चिंग अदर इतना बॉटनिकल डाटा, अन्य इतना बॉटनिकल डाटा के लिए आपको जगह जगह इन लोगों से मिलना होगा। फॉर सर्चिंग मिसलेनियस इतना बॉटनिकल डाटा, आपको रिलीजियस प्लेस में जहाँ भी इनके पूजा के स्थान हैं या गाँव में या जंगल में ये मशरूम बेच रहे हैं। अब अंत में लोक वनस्पति विज्ञान का औचित्य क्या है, क्यों इस लोक वनस्पति विज्ञान को किया जाना चाहिए? तो यह सर्वविदित है कि आज की तिथि में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों के पास पौधों के पारंपरिक उपयोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। यह भी सत्य है कि नई पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक प्रथाओं को त्याग रही है। इसके साथ साथ आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, हमारी दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 20-25 सालों बाद इन जनजातीय क्षेत्रों में एक भी परंपरागत ज्ञानी व्यक्ति का मिलना मुश्किल हो जाएगा जो पौधे का नाम और उसका उपयोग बता सके। इसलिए बहुत आवश्यक है कि देश भर के सभी जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों से पौधों से संबंधित सभी प्रकार के बचे हुए पारंपरिक ज्ञान को अविलंब सही तरीके से संकलित व लिपिबद्ध कर लिया जाए, जिससे भविष्य में उनका वैज्ञानिक परीक्षण व सत्यापन करने के पश्चात मानव जाति के लिए इसे लाभकारी बनाया जा सके। धन्यवाद।